इसमें चलने में ही बड़ा आनंद है। तो ये जो मेरे मन में एक प्रश्न चलता रहता था कि सब कुछ होने के बाद भी भगवान और भजन जरूरी क्यों है, उसका उत्तर मुझे इस रूप में मिला। ये सब तुम्हें मिले भी रहेंगे, पर फिर भी तुम्हें जब तक भगवान नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। महाराज, ईश्वर मिल जाए तो बोले छूटी त्रिविध ईस ना गाढ़ी एक लाल साउर अतिवाड़ी। ये सांसारिक इच्छाएं जो हमें तपाती हैं, ये तीनों इच्छाएं हमें तीन तापों में जलाती रहती हैं। भगवान का आश्रय जब जीव लेता है, रोटी तो तब भी खाता है पर रोटी उसका विषय नहीं रहता, इसलिए रोटी खा लेता है, कब खा ली ये ध्यान नहीं रहता। जयराम जी की बोलो। पानी भी पीता है, नींद भी लेता है, घर के परिवार के जो कर्तव्य हैं उनको भी करता है। पर जैसे माताएं पनघट से पानी भरती हैं घड़ों में और अपने सिर पर एक के ऊपर एक दो तीन चार घड़े रख लेती हैं, गोदी में अपना बच्चा भी समेट लेती हैं और घर तक पहुंचते पहुंचते 25-50 बातें भी कर लेती हैं, ये सब काम कर लेती हैं, ऐसे ही जिसका मन भगवान में लग गया है, भजन में लग गया है, समझ जिसको भगवान की आ गई है। जो मैं कह रहा था कि सीताराम सीताराम कहो भैया, आप सोच रहे होंगे हम बैठ के सीताराम कहने लग जाएं तो इससे तृप्ति मिलती दिखती नहीं है। सीताराम कहने का मतलब मेरा ये है उसमें, या संतों का मतलब ये है इसके पीछे, कि तुम भगवान के हो जाओ। सीताराम सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, इसका मतलब ये है कि तुम भगवान के हो जाओ। तुम भोजन के हो के मत रहो, तुम पानी के हो के मत रहो, तुम परिवार के हो के मत रहो, तुम पैसे के हो के मत रहो, तुम पद प्रतिष्ठा के हो के मत रहो, तुम परमात्मा के हो के रहो। सीताराम राधे श्याम कहने का ये मतलब है, जब इस तरह की तुम्हारी जिंदगी होगी तब तुम्हें सुकून ऐसा मिलेगा, ये सब रहें या चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी जिंदगी ही भजनीय जिंदगी है, हमारा भजन की जिंदगी है, भक्त की जिंदगी है, वो प्रभु के प्यारों की जिंदगी है, महापुरुषों की जिंदगी है महाराज, त्यागियों की, तपस्वियों की, ज्ञानियों की, वैरागियों की, भक्तों की, जीवन मुक्तों की जिंदगी है ये। ऐसे जीवन मुक्त जो संसार में हैं, उनको संसार में करने के लिए कुछ नहीं है, पर ऐसे जीवन मुक्त भी अगर कुछ करना चाहते तो भजन ही करते हैं बस। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाखान। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथ अप उपक्रमयी, कुर्वन्त हेतु कीं भक्ति मिदमित्थं भूत गुणो हरि। जो संसार से ऊपर चले गए हैं, आत्मा रामस्य मुनयो, ऐसे लोगों के लिए संसार में करने के लिए कुछ नहीं है, न उनको संतान चाहिए, न सामान चाहिए, न कोई सम्मान चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए महाराज। वो भजन करते हैं, वो भक्ति करते हैं। ये बात मैं सब फिर एक बार रिपीट करूंगा, मुझे लगता है जो ध्यान से सुनेगा उसको बड़ा लाभ हो सकता है इस बात से, और भजन करने में उसको आसानी हो सकती है। जिस संसार के प्रपंच को हम महत्व दे रहे हैं, ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं कर पाएगा। कितना ही इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद भी रह जाएगा कि यार अब ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, ये रह गया, वो रह गया,
उसके बाद भी ऐसा होता रहता है जब तक परमात्मा जीवन का विषय ना बन जाए तब तक तृप्ति आने वाली नहीं है। इसीलिए भजन सबके लिए जरूरी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बुद्धिमान हो चाहे मूर्ख हो, चाहे कमजोर हो चाहे पहलवान हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे छोटी जात का हो चाहे बड़ी जात का हो, भजन सबके लिए चाहिए। सभी भजन करते हैं, सभी को करना चाहिए। राम भगत इरत नर अरुणारी, भजन सबके लिए है। हम लोगों ने कुछ अपने अपने दिमाग में कुछ ऐसे विचार बिठा लिए, सोचते हैं ये तो तिलक विलक लगा के बड़े बाल दाढ़ी वाड़ी डंडा कमंडल लेके जो घूमते हैं ना, ये इनका काम है, अपन तो बस खाओ पियो मस्त रहो। ध्यान रखना, आप संसार में जैसे आए हो ना भूखे प्यासे अपनी इच्छाओं के, वैसे ही लौट के चले जाओगे। आपकी ये भूख प्यास मिटेगी नहीं जब तक आप भगवत आश्रय नहीं लेंगे, और जब तक आपकी ये भूख प्यास मिटेगी नहीं तब तक आपको आना जाना पड़ेगा। ये भगवान के बनने से ही मिटती है। आप कुछ भी रहिए संसार में, आप पत्नी हैं, पति हैं, बाप हैं, माँ हैं, दादा हैं, दादी हैं, किसान हैं, नौकर हैं, धंधा करने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, नेता हैं, समाज सेवक हैं, जो भी आप हैं आप रहिए, पर भगवान के होके रहिए। इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी हैं वो रहिए, पर वो आपकी टेम्परेरी ड्यूटी है। भगवान के होके रहना ये आपकी परमानेंट ड्यूटी है महाराज, ये आपकी जरूरी काम है ये आपका। वो जो आप हैं और सब कुछ वो आपका अस्थाई काम है, ये आपका जरूरी काम है, इसके लिए भगवान ने आपको भेजा है। इसीलिए वसुदेव देव की मथुरा की जेल में पड़े हुए हैं, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, पांव में बेड़ियां पड़ी हैं, गले में तोक पड़ी हुई है, उसके बाद भी बोल क्या रहे हैं, हरे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भजो मुरली जो मुरली बजो हरे नंदलाला, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ भजो मुरली मनो हरे नंदलाला, भजो मुरली मनो हरे नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण
तुम्हारा विवेक ऐसा होगा तो किसान भी होगे तो किसानी करते हुए भी मस्त भगवान में रहोगे, और अगर सत्संग तुम नहीं करते तो किसान हो तो किसानी में ही मस्त रहोगे, बस नौकर हो तो नौकरी में ही मस्त बने रहोगे, व्यापारी हो तो व्यापार में ही मस्त बने रहोगे, पर अगर सत्संग तुम करते हो तो किसान होते हुए भी भजन में मस्त रहोगे, नौकर होते हुए भी भजन में मस्त रहोगे, व्यापारी होते हुए भी भजन में मस्त रहोगे, समाज सेवक राजनीतिज्ञ जो भी आप होंगे, पति होंगे, पत्नी होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, बेटा होंगे, बेटी होंगे, जो भी आप होंगे, आप मस्त भजन में रहोगे, भले किसी के बीच में रहो महाराज, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है हमारी जो पूर्ति, हमारी जो तृप्ति है, हमारी जो प्यास है जिंदगी की, वो भजन के अलावा और कोई मिटा नहीं सकता। जब मैंने ये बात समझी थी, मुझे इससे बहुत फायदा हुआ भजन करने में, इसलिए मैंने मेरे दिमाग में आ गया इस समय, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं, जैसे मुझे लाभ हुआ है ऐसे ही आप सबको भी हो जाएगा, हो जाए तो अच्छा रहे। ये मत देखो कि आदमी इस काम में मस्त हो रहा, वो आदमी उस काम में, अरे वो उसकी अपनी कमजोरी है, उसकी अपनी समझ है, वो उसकी अपनी जिंदगी, उसको पता नहीं है, तुम उसको मत देखो। महाजनो एन गतः सपन्था, महापुरुषों की तरफ देखो, वो किस रास्ते से जा रहे हैं, उधर चलना है। हर कोई को देखोगे तो दुनिया है ये तुम्हारा, यहाँ तो सब तरह के मिलेंगे, बाजार में सब सामान मिलता है, यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदे आयो, पर चतुर तुमाल चौगुना कीना, मूरख मूर गमायो, तूने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिन बावरे। जेल में पड़े हुए हैं फिर भी कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, इतना दुख है अपनी जिंदगी में क्या, फिर क्यों नहीं भजन बनता अपने से। वसुदेव देवकी से ज्यादा सुख में तुम रह रहे हो, तुम भी भजन नहीं बनता तुमसे। इसीलिए भगवान ने उनको अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर लिया, जो इतने कष्ट में, इतनी विपरीत परिस्थितियों में क्या बिगाड़ा था वसुदेव जी ने कंस का, वो सिर्फ कृष्ण का, कृष्ण ही कृष्ण तो बोलते हैं, कंस का कोई नुकसान थोड़ी किया है उनने। भक्त का जीवन ही ऐसा होता है, भक्त के जीवन से किसी को नुकसान नहीं होगा कभी भी। वैष्णव जन ते तेने कहिए जे पीर पराई, आज गणतंत्र दिवस है, 69th रिपब्लिक डे, 69वां गणतंत्र दिवस है, मैं आप सबको उसकी शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र रहे पर साथ में इसमें धर्म भी जुड़ा रहे, गणतंत्र धर्म का तंत्र बन के रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। धर्म निरपेक्ष तंत्र नहीं, धर्म तंत्र। आगे आप कथा सुनेंगे, द्वारका में भगवान रहते हैं तो अपनी दिल्ली की सभा का नाम है धर्म निरपेक्ष सभा, लोक सभा, धर्म निरपेक्ष सभा, और भगवान जहां द्वारका में बैठते अपनी सभा में, उसका नाम था सुधर्मा सभा, सुधर्मा सभा। बिना धर्म को साथ में लिए आप क्या निर्णय देंगे, बताइए ना। हर निर्णय को धर्म का आधार लेके ही दिया जाता है, कोर्ट कचहरी में भी गीता जी पे हाथ रखवाना पड़ता है, जयराम जी की बोलो, क्यों रखवाना पड़ता है, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य लिखा है उसमें। धर्म को नजरअंदाज अगर अपन कर दें तो जो अपन निर्णय करेंगे वो निर्णय किसका भला कर पाएंगे। धर्मानुकूल निर्णय से ही
जीव और जगत का कल्याण हो सकता है। इसलिए सुधर्मा सभा में भगवान बैठते हैं। अभी कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, 5000 साल ही हुए हमारा, और इतने दिनों में हम इतने प्रोग्रेस कर गए कि धर्म को हटा के धर्म निरपेक्ष बन गए। वसुदेव जी के मन को माध्यम बना करके देवकी के गर्भ में भगवान पहुंचे थे और उनका प्राकट हुआ। भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी उनको गोकुल में छोड़ के आए। इधर जैसे ही उस कन्या को लेके आए जो योग माया ने जन्म ले लिया था यशोदा के यहाँ, कंस ने समाचार पाया तो उस कन्या को मारना चाहता था, पर वो अष्टभुजा दुर्गा बन गई और उसने कहा कि तुझे मारने वाला आ गया है, अपनी व्यवस्था करो। उधर गोकुल में भगवान पहुंच गए। स्वाभाविक है, जहां सूर्य उदय होगा वहां प्रकाश होगा, जहां भगवान होगा वहां आनंद होगा, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान का विग्रह ही सच्चिदानंद है। जैसे ही भगवान गोकुल में पहुंचे, खबर फैल गई महाराज। नंद जी को तो सुबह 4 बजे ही सपना आ गया, ब्रह्म मुहूर्त का सपना। कहते बड़ा असरकारी रहता है ब्रह्म मुहूर्त का सपना। सुबह 3:30 के बाद से 5:30 तक 6 तक ब्रह्म मुहूर्त ही रहता है 5:30 तक। इस बीच में अगर सपना भी आ जाए तो बहुत अच्छा मानते हैं। नंद जी को सपना आया कि एक सांवला सलोना मयूर पिच धारण किए हुए बच्चा घुटवन घुटवन चला आ रहा है गौशाला की तरफ और मुझसे कह रहा है कि बाबा, सब लोग जयराम जी की बोलो, तुम गाय माता की सेवा करते हो ना, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हो। विष्णु पुराण में भी ये लिखा है महाराज, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो गायों से और ब्राह्मणों से प्रेम करता है, इनके प्रति जिसके दिल में हृदय में आदर है, वो भगवान को भी बड़ा प्यारा लगता है। जीवन में अगर सद्मार्ग की उन्नति चाहते हो तो इन दो को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना, दो का कभी अनादर नहीं करना, इन दो से कभी अपने को दूर मत करना। एक तो गाय और एक ब्राह्मण। इन दोनों का आश्रय लेके रहना चाहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय। जो भगवान सबके इष्ट हैं, उन भगवान के इष्ट भी ब्राह्मण ही हैं। गाय माता का जो दूध है
वो हमारे तन को पुष्ट करता है और ब्राह्मण का जो ज्ञान है वो हमारे मन को पुष्ट करता है। और जिसका तन भी अच्छा है मन भी अच्छा है वो एक्सटर्नल और इंटरनल सब जगह विजय प्राप्त कर लेता है। जय राम जी की बोलो। अंदर और बाहर जिसका तन भी स्वस्थ है और मन भी स्वस्थ है वो बाहर की परिस्थितियों पे भी विजय प्राप्त कर लेता है और अंदर की परिस्थितियों पे भी विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए इन दोनों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तन भी स्वस्थ रहना चाहिए और मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। तन को स्वस्थ रखने के लिए गाय, मन को स्वस्थ रखने के लिए ब्राह्मण, इन दोनों को पकड़ के रखो महाराज, आप बाहर भी जीत जाएंगे अंदर भी जीत जाएंगे, लोक में भी भला होगा और लोक में भी भला होगा। भैया सुबह 4:30 बजे सपना देखा, वो बच्चा कह रहा है कि बाबा तुम गाय की बड़ी सेवा करते हो इसलिए मुझे बहुत पसंद हो आते हो तुम, इसलिए मैं तुम्हारे घर में आ गया। सपना बहुत अच्छा था, एकदम नींद खुल गई, घड़ी देखी तो 4:30 बज रहे हैं। अरे 4:30 बजे सपना आया है, इतना अच्छा सपना, अब मुझे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं अच्छा सपना आए तो सोना मत, तो वो सपना कुछ ना कुछ फल दे के जाएगा, और बुरा सपना आए तो फिर से एक बार सो जाओ जिससे उस बुरे सपने का फल तुम्हें ना भुगतना पड़े। जय राम जी की बोले। ऐसा कहते हैं समझदार लोग। भैया अच्छा सपना और बुरा सपना, तो आज तो बड़ा अच्छा सपना आया है और समय भी ऐसा कि 4:30 बज रहे हैं, जगने का उठने का टाइम भी है। नंद जी उठे और सीधे यमुना जी में नहाने चले गए। यमुना जी से नहा करके जैसे ही लौटे तो लौट करके देखते क्या है, पूरे गोकुल की भीड़ नंद जी के घर की तरफ दौड़ रही है। नंद जी ने सोचा यार ये सुबह सुबह से अर्ली मॉर्निंग ये सब इधर दौड़ के हमारे घर की तरफ क्यों आ रहे हैं, तो किसी को रोक के पूछा क्यों भैया अरे हमारे घर की तरफ क्यों दौड़ते जा रहे हो। अरे बोले बाबा तुमको न्यूज नहीं मिली क्या। अरे क्या न्यूज है बताओ तो सही। अरे बोले यशोदा मैया ने लाला जाया है। नंदी तो आश्चर्य में डूब गए, अरे मैंने तो सपना देखा था पर ये तो साकार हो गया। जो आए घर में उसी समय 2 लाख गायों का दान कर दिया। थी कितनी टोटल नंद जी के यहाँ, कितनी गाय थी? 9 लख गौएं नंद बाबा के नित नयो माखन हो। 9 लाख गाय थी, 9 लाख में से 2 लाख दान कर दी, कितना परसेंट हो गया? 9 लाख में से 2 लाख कर दी, 20% के ऊपर दान कर दी। जयराज जी की बोलो। गणित मेरा उतना अच्छा नहीं है इसलिए करेक्ट हिसाब आप कर लेना। इतनी गाय दान कर दी महाराज, और वो भी ऐसी नहीं कि बूढ़ी वाड़ी हो, पहले दूसरी बार की ब्याई हुई, बछड़े से ब्याई हुई, सिंह सोने से मरवाए, 24 कैरेट सोने से सिंह मरवा दिए, उनके जो खुर थे वो चांदी से मरवा दिए, गले में हीरे मोती जवाहरात के हार पहना दिए, साथ में कांसे की बाल्टी दूध दोहने के लिए दे दी, पांव में रस्सी बांधने के लिए भी दे दी। मतलब दान कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है उनके भाव को देख करके बड़े खुशी से कर रहे हैं, ऐसा नहीं डिप्रेशन में आके नहीं कर रहे हैं। कई बार आदमी डिप्रेशन में या किसी के सामने वाले के इंप्रेशन में आके कर देता है। जयराम जी की बोल। फिर बाद में पछताता है, वो दान से आनंद नहीं आएगा न देने वाले को और न। ये खुशी से कर रहे हैं, प्रसन्नता से कर रहे हैं।
और यही नहीं, जितने गोपी ग्वाल अपने अपने घर से आए सब कैसे आए हैं, कंचन थार समार के और तामे दीपक बार करने आई आरती, हिल मिल के ब्रजनार दे तू बधाई नंद को और पड़े यशोदा पां तेरे प्यारे लाल को नेक हमें दिखराओ। सोने के थाल निकाले हैं मेहमान के लिए तो कांसे की थाली निकाल लेते थे, पर भगवान के लिए सोने की थाली निकाली है। अपन लोग उल्टा करते हैं, इंसान के लिए अच्छे केले खरीदते हैं और भगवान के लिए भागवत में जाना होता है तो थर्ड क्लास के केले खरीद लेते हैं। जयराम जी की बोलो, अपन उल्टा करते हैं महाराज। जबकि कथा ये कह रही है कि अपने लिए थोड़ा लोअर स्टैंडर्ड का सामान भी होगा तो चलेगा अपने लिए, भगवान के लिए कभी भी सब डिवीजन का सामान नहीं, फर्स्ट डिवीजन का सामान रखना चाहिए महाराज। अच्छा, लोग कहते वो खाते ही नहीं है तो फिर अच्छा रखने से क्या है। अरे तुम खिलाई कहां रहे हो ठीक से उनको। अरे लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, अरे शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, अरे सुलभा की तरह तुम खिलाते नहीं। वो खाते नहीं है, क्यों नहीं खाते कि तुम खाने लायक सामान ही नहीं लेके जा रहे, कैसे खाएंगे महाराज। बीन बीन फर सबरी लाई दोना न्यारे न्यारे, सब कुछ पड़ा है जंगल में पर उसमें जो अच्छे अच्छे हैं वो भगवान के लिए लेके आती है। और अपन देखना जब सत्यनारायण की कथा करवाते हैं ना तो एक लाल कपड़ा नहीं एक सफेद कपड़ा, जो बाजार में सबसे सस्ता वाला वो लेके आते हैं सत्यनारायण की कथा। और सत्यनारायण उससे खुश हो जाएंगे क्या, खुद तो पहन रखा 300 रुपए मीटर डिग्जाम शूटिंग का। और भगवान के लिए वो सड़ेले कपड़े लेके आ रहे हैं जिनमें देखो तो इधर से उधर दिख रहा है पूरा महाराज, बिल्कुल झन्ना कपड़ा। कैसे काम बनेगा भैया, तुम्हारा प्रेम कैसे दिखेगा, वो खाते के नहीं खाते उसको छोड़ दो, तुम्हारा प्रेम कैसे दिखेगा। तुम हल्की चीज रखोगे उसमें तुम्हारा प्रेम है क्या फिर। सोने के थाल कंचन थाल संभाल के और तामे दीपक वार, देसी गाय के घी का दीपक, दीपक सिर्फ देसी गाय के घी का ही जलाना चाहिए, उसी से लाभ होता है। आरती करो तुलसी के वहां रखो या जहां भी आप दीपक लगाते हैं देसी गाय के घी का दीपक होना चाहिए, वातावरण उसी से शुद्ध होता है महाराज। नहीं तो डालडा के भी मालपुआ खा लो उससे क्या है, हार्ट चेक करवाओ बाद में हार्ट चेक। आकर के सब भगवान की आरती कर रही हैं। यशोदा मैया को डर है कि लाला को कोई गोपी नजर ना लगा दे, क्योंकि प्रेम में भय पहले पैदा हो जाता है, प्रेम की एक कमजोरी है महाराज, प्रेम में भय जरूर होता है। किसी का बेटा अगर मिलिट्री में है तो माँ घर में उसी की चिंता करती रहती है, अपने पुत्र से प्रेम होने के कारण उसको भय बना रहता है।
प्रेम में भय होता ही है। यशोदा मैया को भी भय है कि मेरे कन्हैया को कोई गोपी नजर न लगा दे। लाला हुआ तो हमें नर्सिंग होम की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान की कृपा से घर में ही हो गया, और किसी ने नजर लगा दी तो अभी पता नहीं कौन से स्पेशल हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। इसलिए अपने आंचल में ढक रखा है कन्हैया को, और जिसकी दृष्टि में जो चीज मूल्यवान होती है जयराम जी की, बोलो, वो उसको इतनी जल्दी उजागर नहीं करता है, ढक के रखता है उसको। यशोदा के लिए कृष्ण से ज्यादा मूल्यवान कौन होगा? इन्होंने द्रोण और धरा के रूप में नंद और यशोदा ने बड़ी तपस्या करी थी, बहुत लंबे समय तक तपाया था अपने आप को, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ मांगो वरदान, तब द्रोण और धरा दोनों पति पत्नी ने एक ही प्रार्थना करी थी, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद मुझे मिल जाए बस। वही द्रोण और धरा नंद यशोदा आकर के बने, भगवान ब्रह्मा जी के दिए उस वरदान को पूरा और इनकी तपस्या को सार्थक करने के लिए इनके घर में आ गए महाराज। बहुत कुछ लगाया है पहले तब अब पाया है, बहुत कुछ लगाया है। हम लोग लगाना कुछ भी नहीं चाहते, पाना सब कुछ चाहते हैं महाराज। इन्होंने बहुत कुछ लगाया है, इसलिए उनका प्रेम है कृष्ण के ऊपर। आंचल नहीं उठाने को तैयार हैं। एक गोपी समझ गई उनकी मना स्थिति को, 5 लाख का हार पहन रखा था उस गोपी ने, फट से उतारा और कन्हैया के ऊपर न्यौछावर करके यशोदा मैया के सामने रख दिया। लो यशोदा मैया, तुम्हारा टेंशन खत्म। तुम्हें डर था ना मेरे लाला को नजर न लग जाए, अब मैंने 5 लाख के हार की न्यौछावर पहले ही कर दी है, नजर वजर अब नहीं लगेगी तुम्हारे बेटे को। यशोदा मैया कहने लगी, अरे गोपी, तू 5 लाख के हार में मेरे होनहार को देखना चाहती है? यशोदा मैया ने 9 लाख का हार पहन रखा था, उतार के डायरेक्ट उस गोपी के हाथ में दे दिया, ले ये 9 लखा ले जाते, पर मैं लाला का दर्शन तो नहीं कराऊंगी, अब तो इतने महंगे कोई पहनता भी नहीं है, क्योंकि खींचने वाले फिर फट से खींच लेते महाराज, बाजारों में तो भारी समस्या हो गई है। अब बिचारी माताएं सोना भी नहीं पहन के निकल सकती बाजारों में, तो चैन खींचने वाले घूमते ही रहते हैं। क्या करोगे, चरित्र नहीं बचेगा तो चैन तो खींचने ही है महाराज। सत्संग की कितनी जरूरत है समाज को, ये कुछ ही लोग समझ पा रहे हैं महाराज। और मैं इसलिए हाथ जोड़ जोड़ के रोज कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, ये मेले लगते रहना चाहिए। यहीं बैठ के इस मन रूपी हाथी पे कहीं समझ रूपी अंकुश लगेगा तो कुछ ठीक दिखेगा महाराज, नहीं तो बहुत मुश्किल है। खींचना, लूटना, दिन में ताले तोड़ देना, पुलिस क्या कर लेगी, कोतवाल क्या कर लेंगे, जेल क्या कर लेंगे, जब आदमी का जीवन ही अच्छा नहीं है तो जेल से क्या होना। जीवन अच्छा बनाने की जरूरत है, जेल से, पुलिस से, दंड देने से कुछ नहीं होगा। सबका स्वभाव ही ऐसा बन जाए कि हम किसी का किसी तरह से कोई नुकसान करें ही ना महाराज। हम हमेशा इसके लिए तत्पर रहें कि हमारी जिंदगी किसी के काम आ जाए। अगर ऐसा जीवन सभी जीने लग जाए तो क्या जरूरत पड़ेगी आपको इन सब की। आपने कभी सुना होगा शिरडी साईं बाबा के आगे एक शनि मंदिर है, वो जगह का नाम क्या है? शनि सिंगा, शनि सिग्नेश्वर।
उस गांव में कहते कोई ताला नहीं लगाता है। कोई किसी के घर में घुसता ही नहीं है। लाखों की दौलत पड़ी रहे पर किसी के घर में, सूने घर में कोई नहीं घुसता है। अभी भी एक सैंपल के रूप में जगह है इस देश में, जयरानी की बोलो सैंपल है, पर वो सैंपल भी सब जगह इंप्लाई कैसे होगा जब हम सब सिंपल बन जाएंगे महाराज। छल कपट बेईमानी राग द्वेष ईर्ष्या ये सब छोड़ के हम सब सिंपल बन जाएं, सरल स्वभाव न मन कुटलाई जथा लाभ संतोष दाई, मोर दास कहाय नर आशा करह तो कहो कवन कहा विश्वासा। जब हमारी सबकी जिंदगी ऐसी होगी तो हमें किसी से किसी तरह का कोई भय ही नहीं रहेगा महाराज। पर ये संभव होगा सत्संग से, राजगादी ये काम नहीं कर सकती, ये काम व्यास गादी से ही होगा महाराज। इसलिए व्यास गादी के प्रति आदर रहना बहुत जरूरी है। व्यास गादी ही वो आंख देती है जिससे हमें अच्छा दिख सकता है। मेरे पूज्य गुरुदेव पंडित शंकर गुरु महाराज उज्जैन, जिनके आशीर्वाद से ही मैं ये श्रीमद् भागवत की सेवा करता हूं, वो ये कहते थे बार बार, बेटा ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण ही समाज को वो आंख दे सकता है जिससे अच्छा दिखता है। ऐसा वो बार बार कहते थे। इस देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी की है दुनिया को ठीक रखने के लिए तो ब्राह्मण की है। ब्राह्मण ही वो आंख दे सकता है समाज को जिससे हम अच्छा देख पाएंगे। ये सब बार बार कहते थे। और एक दिन कृपा करी उनने और मैं उनको प्रणाम करने गया, कथा कह रहे थे, भागवत की कथा कह रहे थे। इतने महान संत थे, ऐसे महान पंडित थे वो, उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके घर में अगर कोई काम वो होता था ब्राह्मणों का तो उज्जैन से हमारे ये शंकर गुरु महाराज जाते थे। अगर 5-7 ब्राह्मणों को बुला के उनको कोई काम कराना है तो उज्जैन से ये हमारे महाराज जी रहते थे। पूर्ण पंडित थे महाराज, 100% पूर्ण पंडित थे। मैं उनको प्रणाम करने गया, उन्होंने मुझे पकड़ के सीने से लगा दिया और मुझे उसी दिन से ऐसा लगा कि जैसे ये स्वयं अपने शरीर से निकल के इस शरीर में बैठ गए। इसलिए शायद ये महापुरुषों की लीला अपन क्या जाने महाराज, अपन तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। उस शरीर से निकल के जैसे इस शरीर में बैठ गए और मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि मेरी कोई पात्रता, कोई योग्यता, कोई सामर्थ्य है, कोई समझ है। ये उस महापुरुष की, उस दिव्य पुरुष की कृपा है जिसके कारण से ये चाकर आप सबके चरणों की सेवा कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि उनने कहा तो मैं ब्राह्मण बन गया हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं आप सबके चरणों का चाकर बन गया हूं उनके कहने से। ब्राह्मण मेरे लिए परम पूज्य हैं, पूरी जिंदगी रहेंगे, जब जब जीवन मिलेगा तब तब रहेंगे।
आज मैं जो कुछ भी हूं ब्राह्मणों के कारण ही हूं। ब्राह्मणों की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके दिए हुए इस प्रसाद से ही मैं आप सबकी सेवा कर रहा हूं। तो मैं उनका प्रतिनिधि हूं, मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं। कभी कभी मैं जब ऐसा सुनता हूं कि गांव के जो पूज्य ब्राह्मण हैं वो मेरी कथा सुनने नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को बड़ी तकलीफ सी होती है, एक तो दुख होता है महाराज। अरे मैं तो आप सबके चरणों का दास हूं, ऐसा मन में कभी मत बिठाना कि मैं आपका विरोधी हूं। और मैं ग्राम किसुपुरा के जितने पूज्य ब्राह्मण जन हैं सभी के चरणों में माथा रख के ये निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे अपना विरोधी मत समझिए। मैं भगवान की कथा कह रहा हूं तो आपका विरोधी नहीं हो गया, भगवान की कथा कहने की समझ और सामर्थ्य भी आपके आशीर्वाद से मिली है मुझे, ये आपने कृपा कर दी मेरे ऊपर, जो मैं आपके दिए हुए प्रसाद से इस भगवत स्वरूप बगिया को सींच रहा हूं। मैं यही चाहता हूं आप सबका आशीर्वाद, आपकी कृपा इस दास के ऊपर ऐसे ही बनी रहे। मैं हमेशा से और हमेशा तक ब्राह्मणों के चरणों का चाकर हूं। हां ये जरूर है, जिन ब्राह्मणों ने मुझे ये जीवन दिया है, जीना समझाया है, उनके आशीर्वाद से मैं इस जीवन को ब्राह्मण वृत्ति से जीता हूं। न मेरे पास कोई धन है न कोई दौलत है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। आपको देख के कुछ लगता हो मुझे नहीं पता, ब्राह्मण हो जैसा भोजन करता हूं, ब्राह्मण हो जैसी जीवन शैली को जीने की कोशिश करता हूं। पूरा तो नहीं जी पा रहा हूं पर प्रयास है मेरा, उनका आशीर्वाद रहेगा तो धीरे धीरे शायद मैं कुछ हद तक इसको कर पाऊंगा। जो कुछ आता है व्यासपीठ पर या मेरे हाथ में, ये सारा का सारा भगवत सेवा में लगता है। भगवान ने मुझे पहले से ही ऐसा बना दिया है, मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है, उन्हीं की कृपा का दिया हुआ। जहां कथा करने जाता हूं वहां जो प्रभु के प्यारे जन भक्तजन होते हैं उनके घर का प्रसाद पाता हूं और ये सेवा करता हूं बस। इसके अलावा मेरे पास कोई संग्रह नहीं है किसी तरह का। तो मैं ये प्रार्थना करना चाह रहा था, मेरे मन में आ रहा था, आज भगवान ने कुछ ऐसा वो प्रसंग बना दिया तो मैं कह पा रहा हूं। मेरे दिल में पूज्य ब्राह्मणों के लिए बहुत जगह है और मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, कोई राजनीति के मंच पर नहीं हूं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं साफ दिल से कह रहा हूं
अब मुझे अच्छा लगता है जब मुझे ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। यहाँ पर मैं आपकी कैसे सेवा करूँ, मुझे यही लगता है। अगर आप यहाँ आकर के विराज जाएंगे तो ये दास अपनी शब्दांजलि से आपके चरणों की कुछ सेवा करेगा महाराज। बस मैं किसी का ही प्रतिद्वंदी नहीं हूं, तो आप पूज्य जनों का कैसे हो सकता हूं। जिनसे मैंने पाया है भगवान की कृपा से ऐसे संस्कार हैं मेरे परिवार के दिए हुए कि मैं नमक हलाल तो हो सकता हूं पर नमक हराम कभी नहीं होऊंगा महाराज। फिर भी इस दास से किसी तरह से अगर किसी को भी कोई कष्ट पहुंचता है तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके समस्त पूज्य ब्राह्मणों और आप सबके चरणों में भी मस्तक रख के क्षमा याचना करता हूं। भगवान महाजनो एन गतः स पंथा, महापुरुष लोग जिस रास्ते से चलते हैं उसी से हमको चलना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। तो यशोदा मैया ने 9 लाख का हार उतार के दे दिया, गोपी ने कहा हमें हार नहीं चाहिए। यशोदा मैया हारते तो चले आ रहे अनंत जन्मों से, हमने तो ऐसा सुना है यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र श्री विजयो। जब जीवन में सब लोग जय राम जी की बोलो, जब जीवन में कृष्ण आ जाता है तो फिर उसके जीवन में हार नहीं होती, जीत ही जीत होती है। अब हमारे जीवन में जब कृष्ण आ ही गए हैं तो ये हार से तो अब हमें छुटकारा दिला दो। हमने इसलिए हार उतार के रखा है कि अब हार की तरफ नहीं देखना, अब तो आंखों के सामने जीत ही जीत देखना है, क्योंकि अब हमारा कृष्ण हो गया है, हम कृष्ण के हो गए हैं महाराज। अब हम हारने वाली टीम के खिलाड़ी नहीं हैं, अब हम जीतने वाली टीम के खिलाड़ी बन गए हैं। श्री राधा वल्लभो विजयते, श्री जानकी वल्लभो विजयते, अब हम उस टीम के खिलाड़ी हैं, अब हम भगवान की टीम के खिलाड़ी हैं। अब हारने का कोई कॉलम जिंदगी में नहीं है, अब तो हर पड़ाव पर हर जंग में जीत होना है। आप सबके चरणों में भी यही प्रार्थना है, आप भी इस टीम के खिलाड़ी बनो। भगवान की टीम के खिलाड़ी बनो। अगर सच में इस जिंदगी की जंग को जीतना चाहते हो तो, नहीं तो लड़ते रहोगे हारते रहोगे, क्या मिलेगा उससे? हारने वाले को क्या मिलता है? अपमान के अलावा, नुकसान के अलावा उसको मिलता क्या है? नुकसान और अपमान हारने वाले को दो ही चीजें मिलती हैं, बाकी जितना सब कुछ है जो है वो सब जीतने वाले को मिलता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, अगर इस जिंदगी की जंग को जीतना चाहते हो, जो तुम अनंत जन्मों से लड़ते चले आ रहे हो हार जाते हो, तो भगवान को अपना जीवन साथी बनाओ महाराज। मीरा जी इसलिए कहती है महाराज जन्म मरण रा साथी, थाने नहीं बिसरू बिन राती। हे गोविंद तुमको मैं ना भूलूं बस, बाकी सब भूल जाऊं छूट जाए कोई नुकसान नहीं दिखता मुझे, बस तुम मुझसे दूर रहो।
हार नहीं लिया उस गोपी ने, 9 लाख का हार नहीं लिया। मुझे हार नहीं चाहिए यशोदा मैया, मुझे तो ये तुम्हारा जो होनहार काना है ना, इसका दर्शन चाहिए है बस। यशोदा मैया ने देखा कि इतनी सारी गोपियों का भाव है लाला के प्रति, और सच बात तो ये है कि मैं तो बूढ़ी हो गई थी, मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि अब मेरे यहाँ कोई बच्चा होगा, फिर भी ये बच्चा हुआ है, तो इसमें इन सबका पुण्य प्रताप भी है, इन सबकी भावनाएं हैं, इन सबका आशीर्वाद है। जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने को ऐसा बनाना है आशीर्वाद सारी दुनिया का मिल जाए, श्राप किसी एक का भी ना मिले वाला। Then you will become strong. सबका आशीर्वाद लीजिए, दिल खोल के लो महाराज, बिल्कुल संकोच मत करो किसी चीज को लेके, किसी विषय को लेके संकोच मत करिए, सबका आशीर्वाद लो दुनिया में। इस माथे को पटकते रहो हमेशा, बस इसको पटकने में ही भलाई है। ये जितना नुकसान दुनिया का हो रहा है ना, ये लोग पटकते नहीं इसको, इसीलिए हो रहा है बस। इसको झुकाओ, इसमें विनम्रता लेके आओ, सरलता लेके आओ, सहजता लेके आओ महाराज, आप स्ट्रांग होंगे, फिर कमजोर नहीं होते इससे, झुकने से कमजोर नहीं होते, आप मजबूत बनेंगे, आप सारी बाधाओं को पार कर सकेंगे। आशीर्वाद लीजिए समष्टि का, सबका आशीर्वाद लीजिए, श्राप किसी का नहीं। जानती हैं लाला हुआ है तो इन गोपियों का योगदान कम नहीं है इसमें, इसलिए उन्होंने जैसे ही लाला के ऊपर से आंचल हटाया और जो गोपियों ने कन्हैया का दर्शन पाया, संभाल नहीं पाई महाराज, नाचने लगी गाने लगी, ग्वाल बाल भी साथ में खड़े थे, कान्हा को देख करके सब आनंद मगन हो गए, क्योंकि इनका धन ही यही था जो आज इनको मिला है। अनंत जन्मों से, अनंत युगों से, अनंत कल्पों से तपाती चली आ रही थी अपने आप को, आज वो परम धन उनको मिला है, आज वो आंखों का दीदार बना है, इसलिए जब अपने प्राण धन को, अपने प्रियतम को देखा, नाचने लगी गाने लगी। अरे ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है,
सुख सबने पायो है। द्वार और पारक में दधी किच मचायो हे हो साथ की आयु में सुध ऐसो जायो रे ब्रज में हो रही जयकार नंद घर लाला जायो रे ब्रज में हो रही जयकार नंद घर लाला जायो रे। Thank you.
नंद यशोदा के लाल की जय हो, बोलो वसुदेव देवकी के लाल की जय हो, बोलो हम सब के भगवान की जय हो। देवाक्याम पालितो गर्भे लाल तो उनके यशोदया यशोदयायुतो बालो गोपालो रमताम हृदि। ये बड़ी अच्छी बात कही सुखदेव जी। सब लोग जयराम जी की बोलो भैया। देवाक्याम पालितो गर्भे, जो देवकी के गर्भ में भगवान आए, देवकी के गर्भ को और यशोदा की गोद को जिन्होंने धन्य किया, वही भगवान हम सबके हृदय में भी खेल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। वही भगवान, कोई अलग भगवान नहीं। अच्छा ये बताओ भगवान कितने हैं? एक है। भगवान एक ही है। कोई कहता है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम से सब जग पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, तो ये तो चार हो गए भैया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा फिर? बोले वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम से सब जग पसारा, वही राम सब जग से। अब कितने हो गए? तो भगवान कितने हैं सब लोग याद रखना। याद होगा आपको, ऐसा नहीं है। मैं तो जो बालक कहे तो तरी वाता सुने मुदित मन पितु और माता, मैं तो इस भाव से ही कथा कह रहा हूँ। आपको समझाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपकी सेवा करने के लिए कह रहा हूं। सुना है मुदित मन पित अरु माता, आप सभी समझदार हैं। भगवान एक है, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। वो एक ही भगवान अनेक रूप धारण कर लेते हैं, जरूरत पड़ने पर अपन भी करते हैं। मां के सामने जाते पुत्र बन जाते हैं, पत्नी के सामने जाते तो पति बन जाते हैं, भाई के सामने जाते तो छोटा बड़ा जो भी होता वो बन जाते हैं, गुरु के सामने जाते तो शिष्य बन जाते हैं। अपन भी तो कई रूप बनाते हैं जैसी जरूरत पड़ती वैसे। तो जब अपने ही ये काम कर लेते तो भगवान क्यों नहीं कर पाएंगे? भगवान भी तब तब प्रभुधर विविध शरीरा सृजाम अहम। तदात्मानम सृजाम अहम। भगवान अनेक नहीं है, भगवान तो एक ही है। जो भगवान देवकी के गर्भ में थे, इस बात को खूब कान खोल के सुन लेना। उस सेंट की रुई लगा रखी हो तो थोड़ी देर के लिए निकाल देना उसको, ध्यान से सुन लेना इस बात को। जो भगवान देवकी के गर्भ में थे और जो भगवान यशोदा की गोद में थे, वही भगवान आज आप सबके हृदय में है महाराज। कोई दूसरे भगवान नहीं, सबके हृदय में। जो कथा सुन रहे उनके में भी और जो कथा नहीं सुन रहे। फिर तुम कहोगे जब दो ही एक जैसे तो काहे को बिठा रखा, जान दो हमें। फर्क पड़ता है, संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए, फर्क पड़ता है। आप सत्संग में बैठे रहेंगे तो जो चीज आपके पास है उसका पता आपको चल जाएगा, और आप सत्संग का सेवन नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, तो वो हीरा वो रत्न है तो आपके पास ही, पर आपको उसका पता नहीं चलेगा। आप कंगाल के कंगाल बने रहेंगे, आप भजन नहीं करेंगे, आप कथा नहीं सुनेंगे,
आप सत्संग नहीं करेंगे, आप कंगाल के कंगाल बने रहेंगे उसके होते हुए भी, और आप सत्संग का प्रसाद पाएंगे तो आप मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि है तो सही आपके पास। भक्त ही सच में मालामाल रहता है, हम क्या मालामाल रहेंगे महाराज। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो। ऐसा हीरा जिसको मिला हो, जिसके बराबर का कोई हीरा ही नहीं है, अब आदमी गुणगान किसका करे बताओ ना। आपके सामने सोना रख दिया जाए और दूसरी तरफ मिट्टी रख दी जाए तो आपका ध्यान किधर जाएगा? बार बार सोने में ही जाएगा ना, आप चर्चा उसी की करना चाहेंगे? उसी के बारे में लोगों को बताना चाहेंगे आप? क्योंकि आप जान रहे हैं जिनको हम बता रहे हैं ये हमारे हैं, इसलिए इनको भी अच्छी चीज की वैल्यू क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसकी उपलब्ध